मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के एक अधिकारी नमस्कार देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपके विभाग का पानी पीकर कल एक आदमी की मौत हो गई सच्ची बात है हाँ भाई तो खुशी की बात है भाई इससे साबित होता है कि हमारे विभाग का पानी घर घर पहुंच रहा है देखिए आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि आपके विभाग के कर्मचारी बाहर लोगों को पानी बेचते हैं भाई हमारा जल विभाग है क्या है जल विभाग तो जब जल विभाग है तो हमारे कर्मचारी लोहा तो बेचेंगे नहीं लंगर तो बेचेंगे नहीं 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 पत्थर तो बेचेंगे नहीं, तो बेचेंगे बेचेंगे बिजली जल विभाग है जल बेच रहे जल ही जीवन है देखिए <coughs> आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके विभाग ने कानपुर के एक गांव में किसानों के खेतों के लिए हर रोज पानी देने का वायदा किया था लेकिन उनके खेत आज भी सूखे पड़े हैं ये झूठ है ऐसा हो ही नहीं सकता भाई हमारे विभाग के अधिकारी हर रोज सुबह सुबह एक बाल्टी पानी लेके खेतों में जाते हैं है? किसानों को देने के लिए फिर ये कैसे सूखा हो सकता भाई है? अरे देखिए आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि आपके पानी में क्लोराइड फ्लोराइड सल्फेट, कार्बन ये सब चीजें मिलती हैं। है इतना कुछ होता है हाँ अरे भाई तो बहुत खुशी की बात है इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है इसके लिए आपको हमारे मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग पानी के अलावा आप लोगों को इतनी चीजें और प्रोवाइड कर रहे रहे हैं अब बिल पानी का ले रहे। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली जनाब ये तो गलत बात है मैंने तो रिटायरमेंट नहीं ली है मैंने सिर्फ सन्यास लिया हुआ है आ, मैंने भी वही बोला ओह सॉरी सॉरी अब मैंने इंग्लिश में बोला जनाब आपको इल्म होना चाहिए हमारी अंग्रेजी पैदल है खैर जाने दीजिए आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने ये कहा है कि जब तक क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स चेंज नहीं हो जाते आप खेलेंगे नहीं ऐसा क्यों सीधी बात है जनाब बेटिंग हम करते हैं और आधे ज्यादा प्रॉफिट ये लोग ले जाते हैं ये तो ना इंसाफी हुई ना देखिये आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने ये कहा है कि बॉलीवुड की हीरोइंस बहुत ज्यादा रूड होती हैं वो कैसे जनाब मैंने तजुर्बा किया हुआ है जनाब कल मैंने करीना को फोन किया मैं बोला मैं शाहिद बोल रहा हूँ वो भड़क गई गाली कटने लगी मैंने घबरा के प्रियंका को फोन कर दिया प्रियंका को बोला मैं शाहिद बोल रहा हूँ वो भी गाली कटन लगी मैं समझ गया बॉलीवुड के हीरोइन गालियां बहुत देती है जनाब खैर जाने दीजिए वैसे हमने यह सुना है कि आपका यह कहना है कि आप आज भी खेल सकते हैं वो कैसे जनाब मैं बिल्कुल खेल सकता हूं मैं एकदम फिट हूं बस कोई अच्छा बुक ही मिल जाए देखिए आपके ऊपर भी है कि आपने आज तक डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया जनाब मैं क्यों ध्यान दूं डिफेंस पे यह क्या बकवास है मैं क्रिकेटर हूं आर्मी में नहीं है? आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बहुत ही कंजूस आदमी नमस्कार देखिए आपके ऊपर सबसे पहला ये है कि आप अपने भतीजे की शादी में छह महीने पहले ही बधाइयां देने चले गए वो क्यों भाई मैंने न्यूज पेपर में पढ़ लिया था कि छह महीने बाद बस का भाड़ा बढ़ने वाला है देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके चाचा जब ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले थे तो आप बहुत खुश हो रहे थे जोर जोर से हंस रहे थे ऐसा क्यों भाई मेरे चाचा मरते मरते मेरे कान में बोले तू टेंशन मत ले मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था अच्छा आप ये बताइए कि आपके दादाजी की मौत कैसे हुई मेरे दादाजी अस्सी के थे कुछ इक्यासी बयासी की उम्र थी उनकी तो एक बार अपने दोस्त की मैयत में गए थे शमशान गृह में अचानक उनको आइडिया आया कि मैं अभी के अभी अगर इसी चिता के साथ लेट जाऊं तो कितना पैसा कफन दफन का बचेगा ये सोचा उन्होंने और उसी चिता के साथ लेट गए देखिए आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आप एक ऑटो रिक्शा वाले से झगड़ा करने लग गए थे क्यों मैं भाई ऑटो भाई रिक्शा में जा रहा था रिक्शा जा रहा जा रहा फुल स्पीड है आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके घर में कुछ लोग चोरी करने आए थे लेकिन आपने पुलिस में इतला नहीं की झूठ बोलते हैं पुलिस वाले मैंने स्वयं एक शून्य शून्य में चालीस से पचास बार मिस कॉल छोड़े आना तो छोड़ो पलट के कॉल भी नहीं किया मिलोर आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ढाबे के मालिक पतीला सिंह जी सत्यकाल बादशाह देखिए आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि कल रात आपके ढाबे पे खाना खाते खाते एक व्यक्ति की अचानक से तबीयत खराब हो गई इसके बारे में आपका क्या कहना है अब पागल हो गया तू उसकी तबीयत साढ़े खाने से खराब नहीं हुई उसका जिम्मेदार है केबल वाला जब मेरा ग्राहक खाना खा रहे थी उसने केबल पे फिल्म लगा दी वो भी उदय देखते, 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 देखते। में साबुन और शैंपू की झाग मिलती है मैं मानता हूँ पीने के पानी की कमी है पर मैं इतना नहीं गिर सकता कि अपने ग्राहक लोगों को नहाने का गंदा पानी पिला दू मुझे खुद जब नहाना होता है मैं पीने के पानी की टंकी में बैठ के नहाता हूँ

कोई गल नहीं आई लव ऑल शराबी देखिए आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की वो लोग कोशिश करने का टाइम देने और खुद गले में से पैसे निकाल लेंगे